जय हिंद दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम आपको लाइट शो दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, फूड एंड ट्रैवल बाय रजनी सैनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आ गए हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट, और यहाँ से हम जाएंगे इंडिया गेट। और ये आप सामने जहाँ मेरी फिंगर है, यहाँ पर है सेंट्रल सेक्रेटरीट का मेट्रो स्टेशन। और रास्ते में जो जो कुछ भी पड़ेगा वो आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों, हम आ गए हैं कर्तव्य पथ पर। जी हाँ, जिसको पहले हम राष्ट्रपति कहते थे। और आप सामने देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन है, और इसी के सामने इंडिया गेट है। और इसी पथ को कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है, और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 सितंबर को किया था। और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नई चीज़ें बनी हैं। और ये है राष्ट्रपति भवन, और इसी राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक ये जो पथ बनाया गया है, इसको कर्तव्य पथ कहा गया है। और इसकी जो दूरी है वो है 3.2 किलोमीटर। तो चलिए पहले हम आपको राष्ट्रपति भवन दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर जो है पार्किंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल होगी। और साइड में जो है यहाँ पर खाने की स्टॉल भी बनाई जाएंगी, जहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेट का फूड भी मिलेगा। 8 सितंबर को इसकी ओपनिंग हुई थी, तो 3 दिन के लिए ये खोला गया है। और आप देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति भवन। अब हम राष्ट्रपति भवन से जाएंगे इंडिया गेट की ओर, जो कि है 3.2 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। और ये वही पथ है जिसको कर्तव्य पथ कहा गया है। और आप वो जो देख रहे हैं वो है संसद भवन, और इसी के साथ में यहाँ पर बना रहे हैं ये नई वाली संसद भवन। ये देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के ड्रोन शॉट दिखाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये वॉशरूम की यहाँ पर ये ट्रैक बनाया गया है, लेडीज स्टैंड, और जो हैंडीकैप है उनके लिए भी, स्वेट करने के लिए भी, और पार्किंग भी। यहाँ पर जो है 6 पार्किंग बनाई जाएंगी। अभी यहाँ पर पार्किंग बन रही है, वैसे कुछ उधर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ, वो पार्किंग है, लेकिन अभी पब्लिक के लिए पार्किंग नहीं है यहाँ पर। कर्तव्य पथ की हरियाली की कहानी बयां करता है। और ये देखिए, यहाँ पर अभी शो होंगे, स्टेज बनाई हुई है। और आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर अंडरपास बनाए हुए हैं इंडिया गेट जाने तक के लिए। और यहाँ पे देखिए, ये आर्टिस्ट जो है यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे शो होगा अभी आप उधर इंडिया गेट जाने के लिए। यहाँ पर लाइटिंग लगाई हुई है, ये मैप लगाया हुआ है, इसके बारे में, विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ बताया गया है।
और ये सारा जो है ये विस्टा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ये देख सकते हैं। ये सेंट्रल विस्टा की हिस्ट्री बताई गई है और ये देखिए 26 जनवरी 1951 पर, ये देखिए ये पहले 26 जनवरी कैसे होती थी इस वाली पिक में दिखाया गया है। ये है हमारा राष्ट्रपति भवन पुराने वाला और अब इस तरीके से नया बनाया गया है। और अब हम एग्जिट करेंगे जिसे और यहाँ पर देखिए एक कैनल बनाई गई है इधर की साइड जाने का। और जो ये वाला अंडरपास है ये सीधा इंडिया गेट पे जाएगा और यहाँ पर जो है एग्जीबिशन भी लगी हुई है। और ये है इंडिया गेट और आप सामने देख रहे हैं उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी है जो कि है 28 फीट ऊंची है और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 सितंबर को किया था। और यहां से जो है अमर जवान ज्योति हटा दी गई है और उसको वार मेमोरियल में लगा दिया गया है, इससे अंदर एंट्री नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो कि है 28 फीट ऊंची है और ये पत्थर की बनी हुई है। अब स्टार्ट होगा त्रिपुरा का डांस, ये देखिए ये सब रेडी होने हो गए हैं और ये त्रिपुरा का डांस दिखाएंगे। और ये जो फंक्शन है ये 3 दिन तक चलेगा, आज ये सेकंड डे है। Radhe Radhe Bolo Radhe Radhe Bolo Radhe 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 Rad
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इसकी अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी ड्रोन शो की होगी, तो उसको ज़रूर देखें और पूरा देखें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।